Madras School of Economics, I enjoy listening to your podcast during my evening jogs around campus. In a social media landscape filled with influencers and food vloggers, your content is a refreshing change. Thank you. I have a question that's not serious enough for therapy, but I'd appreciate an adult's perspective. My family lives in Delhi, so being away from home is challenging, especially since I'm very close to them. We have a joint family. It includes my grandparents, parents, younger brother, uncle, aunt, and their three children. Recently, my aunt was hospitalized with stomach pains. It turned out to be food poisoning. While she was sick and everyone was speculating about the cause, from gas to infection, my mom mentioned that it might be related to multiple abortions my, ma my aunt had e years ago. When I asked my mom for more details, she expressed anger towards my uncle and aunt. Saying they wanted a boy, especially after I had a son. Oh wow. After having two daughters, my aunt had two abortions before finally giving birth to my cousin brother. My mom believes they were planning another abortion if the third child was a girl. Oh shit, man. I could feel the disgust my mom felt while narrating this to me. Learning about this shattered my view of my family. I couldn't believe the, the people I, I was raised around. When I asked about my dad and grandmother's involvement my mom said my dad accompanied my uncle to the clinics for these illegal procedures and that my grandmother said this is such a shit thinking After hearing such regressive views I've lost respect for my family name I feel sick to my stomach it's especially shocking because as the eldest daughter I've never experienced sibling favoritism.

के uh, अपनी आंट के बारे में कि उनको जब प्रॉब्लम हुआ फूड पॉइजनिंग का तो उनकी मामा ने बोला कि क्या पता ये मल्टीपल अबॉर्शन की वजह से एंड देन इट डोंट अपॉन हर के दे हैड टू अबॉर्शन्स इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम इन इंडिया एंड सम वॉट इन पाकिस्तान एज वेल बट नॉट एज मच जितना हमने इंडिया की डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं इट्स uh, आपको याद होगा मैंने एक ई uh, मेल में शेयर किया था एक स्टोरी इन वन ऑफ द एपिसोड्स दैट माई नेबर्स हैड सिक्स डॉटर्स और वो अपनी बीवी को प्रेग्नेंट ही रखता था एवरी वन वॉज लाइक जैसे मैंने कहा था ना कि वो जब बहनें साथ खड़ी होती थी तो लगता था वाईफाई का लोगो बना हुआ क्योंकि यूं करके ना और फिर जाके उनका भाई हुआ एंड देन लाइक द भाई वॉज बेर्डली अ टीन एजर वन फादर पासड अवे मदर वॉज ऑलवेज सिक बिकॉज शी वॉज ऑलवेज प्रेगनेंट एंड एंड और जो देखे मैं आपको जो मर्द हजराता है मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जो बच्चा पैदा होता है ना इट इट टेक्स अवे अलॉट फ्रॉम द मदर जो जो फिटस होता है ना उसकी हड्डियाँ बनती ही माँ की हड्डियों से सो so, माँ की हड्डियों से वो लेरा होता है और फिर उसकी अपनी बोन सो एवरी टाइम अ चाइल्ड इज बॉन्ड इट टेक्स सो मच आउट ऑफ अ वमेन राइट मर्द का क्या है जी पाँच मिनट में हो गया उसका तो उसका रोल तो पाँच मिनट का पाँच भी ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं राइट वुमेन हैज टू बेयर दैट फॉर फॉर नाइन मंथ्स हमारे यहाँ देखो कितने आराम से uh, मार देते हैं या फिर ये कि बार बार प्रेग्नेंट करते हैं कि अब बेटा चाहिए अब बेटा चाहिए थैंकफुली दिस जनरेशन विल स्लोली डाई और इवेंचुअली अपने साथ ये अपनी जहालत भी लेके ही जाएंगे अब लोग बहुत अवेयर अब बहुत अवेयरनेस हो गई है एंड आई सी दैट अ लॉट थ्रू सिनेमा इज वेल मीनिंगफुल uh, मूवीज़ आ रही हैं मीनिंगफुल वेब सीरीज़ आ रही हैं एंड आई एम श्योर देखें इस चीज़ में ना आई रियली लॉर्ड हम पांच सो so मैं जो है आई वॉज जस्ट क्रिटिकली एनालिंग हम पाच बिकॉज अगेन सब कॉन्टिनेंट में एक बेटी दो बेटी तीन पाँच बेटियाँ थी राइट एंड दैट सेट कॉम वो अकेला सेट कॉम कितने सारे uh, जो टाबूस थे उसको फाइट करा था फर्स्ट ऑफ ऑल दी एक्सेप्टेंस ऑफ द सेकेंड मदर राइट right? क्योंकि उसमें वो जो अशोक सरफ साहब जो थे उनकी जो बीवी थी बीना बीना तो सेकंड वाइफ थी फर्स्ट वाइफ तो तस्वीर से बात करती थी तो जो छोटी थी और बाकी चार वो अलग माँ की थी और छोटी अलग माँ की बीना की बेटी थी राइट right? सो so, उनमें सिबलिंग राइवलरी नहीं थी प्यार से रहते थे राइट right? एक ये दूसरा ये कि वो पाँच बेटियाँ हैं और बाप को गर्व था राइट right? अब ये ड्रामा देखिए बनता क्यों है सोसाइटी को सिखाने के लिए सोसाइटी में अगर कोई बिगाड़ हो कोई ख़राब हो डैट्स वाई दीज मीडिया मीडियम्स आर देर फिल्म हो गया सिनेमा हो गया या फिर आपका जो टी वी हो गया वो इसीलिए तो होता है कि वो इस तरह की झालत को कॉम्बैट करे राइट right? तो उसमें दिखाया यार पाँच बेटियाँ हैं और वो uh, काम भी करती हैं और वो uh, जो है गाइस ये कितने थॉटफुल हैं यार अब क्वेश्चन भी लेकर आए कि जस्ट इन केस क्या आपको कुर्सी Ha, हाँ, it's much better now. So yeah, so 1995 में आता था हम पांच और वो यही चीजें combat कर रहा था कि भाई बेटियां का होना बुरा नहीं है. It could be a loving family and women work just equally well and they take better care of the family. I have seen so many examples के ना बेटे तो फिर घर के मामले में जो है ना इतना वो नहीं होते बट बेटियाँ दे रियली डू लव देयर पेरेंट्स मैं यही नहीं कह रहा कि मर्द नहीं करते ऑफकोर्स दे डू बट लाइक मैन आर वायर्ड डिफरेंटली इन दैट केस क्योंकि उनको दुनिया भी देखनी है दस चीज़ें देखनी है सो so, या yeah, इस तरह की रेवोलेशन जब आपको मिलती हैं अपनी ही फैमिली के बारे में ऑफकोर्स इट्स वेरी अपॉलिंग थिंक दैट आई मीन लाइक ओके सो दे आर लॉट्स ऑफ बिलीव सिस्टम इन माई ओन हाउस होल्ड आई लुक एंड माई पेरेंट्स एंड आई लाइक फिर मैं इसको ना देखें uh, आपका uh, नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता जाहिर है uh, इसमें ना ये है कि वी नीड टू टेक कम्फर्ट इन द फैक्ट कि यार ये लोग बहुत पुरानी जनरेशन के हैं लाइक वेन माई फादर वॉज ग्रोइंग अप रेडियो वॉज अ हाइव राइट वी नाव हैव ब्यूटिफुल आई फोन ओके ये अपोलो जो गया था चांद पे उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर इसमें है ओके सो दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट टाइम्स सो ये बहुत अलग जनरेशन के लोग हैं और इसीलिए हज़रत अली का भी कॉल है वन ऑफ द कैलिफ्स इन इस्लाम कि ना अपने औलाद के ऊपर अपनी रीत रिवाज इम्पोज ना करो बिकॉज दे आर मेड फॉर डिफरेंट टाइम्स ओके सो आई लुक एट माई सन आई एम सॉरी आई कीप ब्रिंगिंग माई ओन फैमिली इन टू दिस बट मैं आपको एक बहुत पॉइंट uh, समझाना चाह रहा हूँ मुझे पता है अभी देखो ना टेस्ला ने रोबोट बना लिए तो जब तक वो बड़ा होगा तो हमारे घर शायद मेड जो है वो फिर कोई रोबोट ही होगा ओके okay? और uh, उनकी तो पढ़ाई भी डिफरेंट होगी इनके पास तो किताब ही नहीं है आई पैड ले जाते हैं दिस एंड दैट तो ये लोग बहुत डिफरेंट टाइम्स के मैं तो स्लेट और वो चौक लेके जाता था यू नो इन माई प्राइमरी नॉट प्री प्राइमरी तो ये बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं तो अच्छा है कि अब दुनिया में अवेयरनेस है और द फैक्ट दैट यू फील डिजगस्टेड इज़ अ साइन इन अ गुड इनफ कि एटलीस्ट यू डोंट सकम टू दिस था सो एज़ लॉन्ग एज यू फील डिसगस्टेड इट्स अ साइन गुड इनफ दैट यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग दैट चेन ठीक है और द ओनली वे इज़ फॉवर्ड नाओ और बाकी लोग भी जो हैं इसमें अगर आप अपनी फैमिली के बारे में इस तरह आपकी कोई चीज़ आपको कोई पता चलती है कि उन्होंने कोई पुराने कस्टम्स और पुराने रीत रिवाज देखिए जो रीत रिवाज है ना इट्स डेड मैनस बैगेज जो हम कैरी कर रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें तो अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज़ पता चले ठीक है बुरा लगेगा दिल में भी बुरा लगेगा बट देन ऑल्सो लुक एट देम एंड बी लाइक यार ये लोग बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं और हम बहुत डिफरेंट टाइम के लोग हैं तो so, कुछ कर नहीं सकते जाहिर हम बदतमीजी भी नहीं कर सकते आप एक साइलेंट प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं एंड थैंक द लॉर्ड के यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एंड आई होप बहुत सारे लोग इन चीज़ों को आ, प्रोटेस्ट करना सीखें शुरू करें भले अपने घर से ही डोंट हेट दैम हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन हाँ डिसगस्ड हो जाती है एंड इट्स ओनली नेचुरल लेकिन ये कि अगेन um, ये बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं और वो अब वो ज़माने गए और इन आने वाले वक्तों में ये प्रॉब्लम्स कम से कम होते रहेंगे और मुझे तो लगता है इंडिया में भी जो वन बिलियन है या पाकिस्तान में ढाई सौ मिलियन है उसकी वजह यही है ना कि मतलब तीन तीन बेटियाँ हो गई या चार चार बेटियाँ हो गई तो वो करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं कि बस किसी तरह बेटा है और जहाँ पावर्टी होती है जैसे पाकिस्तान में आ, वो डिपेंडेंट्स उनको चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फिर उनकी डिपेंडेंसी जो है ना वो संभाल सकें बड़े होके इट हैपन्स ऑल द टाइम दस दस बच्चे बारह बारह बच्चे रूरल एरियाज़ में बड़ा मसला है इसका बट या मैन आई होप सैनिटी प्रिवियस थैंक यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा शुक्रिया